सुजानपुर टिहरा में बीते दो दिन पहले शाम किसने आए तूफान से बिजली बोर्ड का लगभग 20 लाख का नुकसान हो गया था, जिससे शहर भर में बिजली गुल हो गई थी। लेकिन बिजली विभाग द्वारा मेहनत के बाद उसी रात को आधे शहर में बिजली दे दी गई थी और कल सुबह से लेकर शाम तक खुद एक्शन हमीरपुर ने मौका संभालते हुए शहर के 8 वार्डो में खंभे खड़े कर दिए हैं, जहाँ पर विद्युत सप्लाई बाधित पड़ी हुई थी। बीते शाम को वार्ड नंबर 9 और 1 में बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास एक्शन में इलेक्ट्रिसिटी ने खुद कमाते हुए रात को लाइट लोगों को मुहैया करवा दी है। ज्ञात रहे कि इस लाइट के जाने से पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही थी, जिससे लोगों को बिजली के साथ साथ पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ा था। बीती रात को लाइट आ जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। ज्ञात रहे कि दो दिन पहले आए तूफान से बिजली बोर्ड के दर्जनों खंभे टूट गए थे, लेकिन बिजली बोर्ड ने तुरंत हरकत में आकर शहर भर के दर्जनों खंभे एक ही दिन में लगाकर नया इतिहास रच दिया है, जिसका श्रेय भाजपा पदाधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को दे रहे हैं। ये जानकारी शहरी महासचिव सुधीर पटनागर ने दी। उन्होंने बताया कि तूफान होते ही इसकी सूचना पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को दे दी थी, जिसकी सूचना मिलते ही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने तुरंत हरकत में आते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारियों को अवगत करवाया और आदेश देते हुए शीघ्र ही लाइट की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिए। हमीरपुर सब डिवीजन से लगभग 30 विद्युत कर्मचारी उसी रात को पहुंच गए थे, जिसके चलते शाम को ही विद्युत विभाग के सुजानपुर मंडल में पहुंच गए थे, जिन्होंने बीते दो दिनों से कड़ी मेहनत करने के उपरांत लाइट को ठीक करने में जुटे हुए हैं, जिसे शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। धूमल के द्वारा किए गए प्रयासों से ही सुजानपुर की लाइट दो दिन में ठीक हो पाई है। यदि प्रशासन जी तोड़ मेहनत नहीं करता तो लाइट का आना एक सप्ताह तक निश्चित नहीं था। जब तूफान आया था तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि लाइट 15 दिन तक नहीं आएगी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के प्रयासों के कारण लाइट शहर के अंदर जगमगा उठी है, जिससे साफ साबित हो रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जिस भयंकर रास्ते को सुजानपुर ने कल फेस किया है और जिस मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने काम किया, उसके लिए विधायक का पत्र है। खास करके बिजली विभाग, जहां के एक्शन साहब सुबह से 9 बजे से यहां पे डटे हुए हैं अपनी टीम के साथ, उन्होंने बिजली बहाली के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसके लिए स्थानीय प्रशासन, एसडीएम साहब और एक्शन साहब के सारे ही बधाई के पात्र हैं। सुविधा जो नेचुरल क्लाइमेटीज होती है उसके आगे सुविधा कुछ भी नहीं होती है, एक नेचुरल है। पर मैं बिजली विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने इतनी जल्दी इस काम को अंजाम दिया है और इतनी जल्दी यहाँ की पावर सप्लाई रिस्टोर की है। स्पेशली मैं एक्शन साहब का थैंक्स करना चाहता हूँ कि जिन्होंने खुद यहाँ मौके पर आके सारी सिचुएशन देखी है, और साथ में एसडीओ साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने सिचुएशन खुद हैंडल की है। इस बारे में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक्शन के भारद्वाज से बात की। उन्होंने बताया कि आने वाले 24 घंटे के भीतर पूरे शहर की बिजली सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और आधी से ज्यादा लाइटें तूफान वाले दिन चालू कर दी गई थी। अब इसका पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली को 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। काफी एरिया हमने पिछले कल ही जला दिया था, आज मैक्सिमम एरिया हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कल तक पूरा चालू कर देंगे। नेचुरल कैलमिटी के आगे हर कोई विवश होता है, विवाद भी विवश है, और आप